दोस्तों, इस हॉरर मूवी का नाम है एट द डेविल्स डोर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे। मूवी की शुरुआत में लड़की हमें बता रही होती है एक बीस्ट के बारे में, जो अर्थ पर आकर लोगों को धोखा देकर उनके सीधे हाथ पर जबरदस्ती 666 का निशान बनाता है, जो कि एक शैतानी नंबर होता है। इसके बाद मूवी की शुरुआत हैना नाम की एक लड़की के साथ होती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड कैल्विन के साथ लेटी हुई थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक गेम खेलने के बारे में पूछता है, जो कि उसे उसके अंकल के साथ खेलना था। इस गेम के रूल के अकॉर्डिंग केल्विन हैना को बस अपने अंकल के घर तक छोड़ सकता था, लेकिन वह उसके साथ गेम नहीं खेल सकता था। इसके बाद केल्विन उसको अपने अंकल माइक के यहाँ रुक ले जाता है। साथ ही गेम में जीतने पर उसको पूरे $500 मिलने वाले थे। अंकल माइक के साथ गेम खेलते हुए वह जीत भी जाती है। गेम जीतने पर माइक उसको पूरे $500 देते हुए कहता है कि उसे शैतान के द्वारा चुन लिया गया है, जिससे हैना को काफी डर लगता है। साथ ही वह हैना को रोड पे मिलने वाली जगह पर जाकर उसका नाम पुकारने को कहता है, जिससे कि शैतान जब उसे पुकारे तो उसे हैना का नाम पता हो। समझ में नहीं आ रहा था आखिर है क्या। इसके बाद हमें पता चलता है कि $500 का इस्तेमाल करके वह महंगे जूते और मेकअप का सामान मंगवा लेती है, जिनको वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ यूज भी कर लेती है। लेकिन इसी बीच उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आती है, जो कि उसको पुकार रही होती है। वो उस आवाज को चेक करने के लिए अपने रूम में आकर अलमारी चेक करती है, और अलमारी चेक करने के बाद वो अपने हैंडफोन लगाकर अपना फेवरेट सॉन्ग सुनने लग जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन बार बार किसी की आहट महसूस होने की वजह से वह अपनी आंखें खोलती और बंद करती। अब उस भयानक आहट के चलते उसकी आंखें खुल जाती हैं, और इतने में ही एक इनविजिबल फोर्स उस पर अटैक कर देती है और वह बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक रियल एस्टेट एजेंट को देखते हैं, पॉश एरिया में रहा करती थी, जिसका नाम ले था। वह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होने के बाद अपनी कार में बैठकर अपनी बहन वीरा से मिलने के लिए निकल पड़ती है, जो कि एक आर्टिस्ट होती है। ले अपनी बहन के बनाए कुछ फ्रेम्स को लेकर वहां से निकल पड़ती है, और वीरा भी उसे कार तक छोड़ने के लिए आती है। लेकिन तभी एक प्रॉपर्टी को बेचने के सिलसिले में ले को कॉल आ जाता है। कॉल रखने के बाद वो अपनी बहन को उसके फ्रेम्स के बदले पेमेंट का चेक दे देती है। पहले तो उसकी बहन चेक लेने से मना करती है, लेकिन अपनी बहन के फोर्स करने के बाद उसे वह लेना पड़ता है, जिसके बाद में वीरा वहां से चली जाती है। अब वीरा के जाने के बाद ले अपनी कार से बाहर निकलती है और वहीं पर मौजूद घर के अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए घुस जाती है। यह कोई दूसरा घर था, मतलब ले वहां पर मिलने के बहाने से प्रॉपर्टी देखने आई थी। अब घर की इंस्पेक्शन करते वक्त उसे अलमारी में वही पैसे मिलते हैं जो शुरुआत में हैना ने रखे थे, यानी कि वही $500। साथ ही उसे उस घर के अंदर कुछ जलने के निशान भी मिलते हैं, जिसके बाद इंस्पेक्शन करते हुए उसे रेड कोट पहनी हुई एक लड़की दिखाई देती है, जो कि ले को देखते ही वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वह उस घर के ऑनर चक और रियाना से मिलती है, जिनको वो यकीन दिलाती है कि घर के बदनाम होने के बावजूद भी वो उनका घर बिकवा देगी। अपने घर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद चेक ले को बताता है कि वो घर को खाली पैसों की कमी की वजह से बेच रहा है, वरना उस घर में उसकी कई यादें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि उनकी बेटी शैलीन वहीं पर बड़ी हुई है। अब बेटी का नाम सुनते ही ले को सुबह देखी हुई लड़की याद आ जाती है, जो उसको देखते ही भाग गई थी। फिर ले दिए गए डिस्क्रिप्शन से चेक और रियाना को यकीन दिलाती है कि जिस लड़की को उसने वहाँ पर देखा वह उनकी बेटी ही है, क्योंकि शैलीन कुछ महीने पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। साथ में उसकी बातें सुनकर वो दोनों इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि वो इस चीज़ को पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। साथ ही में चक अब और भी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि घर के होने की उम्मीद के साथ साथ उनके अंदर अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद भी जाग गई थी। अब तभी हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर वही लाल कोट को पहनकर गार्डन के अंदर कुछ पैसों को गार्ड कर रही थी, जो कि वही थे जो उसने अंकल माइक से गेम में जीते थे। अब यहाँ पर वो अपने आसपास हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि एक बार तो उसको ये लगने लग गया था कि कहीं वह पागल तो नहीं हो गई है। साथ ही में उसकी अलमारी में एक ड्रॉ अपने आप ही खुल जाता है, जिसके अंदर वो पैसे दोबारा लौट कर आ गए थे, यानी कि ये पैसे आम पैसे नहीं थे। ले सुपरमार्केट से घर का सामान ले रही होती है। वो रात को अपने घर पर डिनर कर रही होती है कि तभी उसके घर की लाइट चली जाती है। साथ ही में उसके घर पर लगा हुआ होम सिक्योरिटी अलार्म भी किसी घुसपैठ की वजह से बज उठता है।
हालांकि उसे असिस्ट करने के लिए सिक्योरिटी कंपनी का कॉल आ जाता है, लेकिन होता यह है कि ले अपनी बहन के घर से जो फ्रेम लाई थी उसमें अचानक खुद ही क्रैक पड़ जाते हैं, लेकिन तभी अगले पल उसके घर की लाइट आ जाती है। अब अगले दिन एक बार फिर ले चक और याना के घर का इंस्पेक्शन करने के लिए जाती है। उनके घर के अंदर पहुंचते ही वह अपनी बहन को कॉल लगाकर बताती है कि अचानक आए हुए इंस्पेक्शन की वजह से वो उसकी पार्टी में आने के लिए लेट हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर ले यह चाहती थी कि वेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेटल हो जाए और बच्चे पैदा कर एक परफेक्ट फैमिली बना ले। वेरा काफ़ी मॉडर्न लेडी थी, वह अपनी लाइफ में बच्चे वगैरह नहीं चाहती थी, वह खाली यहाँ पर ऐसे ही टाइम पास करती थी। ले खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए यह इसके लिए काफ़ी दुख भरी बात थी। वह हमेशा से एक परफेक्ट फैमिली चाहती थी, लेकिन वह काफ़ी अकेलापन महसूस करती थी क्योंकि ऐसा नहीं हो पा रहा था। अब फोन रखने के बाद घर का इंस्पेक्शन वह दोबारा से शुरू कर देती है, जिसके बीच में उसे वही लड़की दोबारा दिख जाती है जिसे वो शर्लिन समझ रही थी। वो उसको बताती है कि उसके मॉम डैड उसके लिए काफ़ी परेशान हैं। अब वो उस लड़की को कंफर्टेबल करने के लिए अपने पास बिठा लेती है, लेकिन तभी वो लड़की ले की कार में लगी हुई वेरा की फ़ोटो देख लेती है। साथ ही ले भी उस लड़की को बता देती है कि फ़ोटो में मौजूद लड़की उसकी बहन वेरा है। वो बताती है कि उसकी बहन थोड़ी डार्क है लेकिन काफ़ी स्पेशल। इसके बाद ले उस लड़की को वेरा के बारे में बताते हुए एक वॉइस मेल भी भेज देती है, लेकिन इतने में ही चक का फ़ोन आ जाता है जो उसको बताता है कि पुलिस को शालीन कुछ घंटे पहले ही एक शॉपिंग सेंटर में मिल चुकी है। जी हाँ, यानी कि वो लड़की यहाँ पर शालीन नहीं थी। यह बात सुनकर ले के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो घर की एक फाइल को देखती है तो एक न्यूज़पेपर कटिंग से उसे पता चलता है कि उसके सामने बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि हैना थी, जिसने कुछ साल पहले ही खुद को ख़त्म कर लिया। जब ले हैना की तरफ देखती है तो वह वहां से गायब हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि हैना अचानक से ही एक शीशे के सामने आ गई है और वहां पर खड़ी हुई है। तभी ले उसके सामने आकर पूछती है कि आखिर वह है कौन और क्या चाहती है, लेकिन तभी हैना एक डेमन वॉइस में बोलती है उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में वो बिना छुए ही उसको गिरा देती है, जिससे कि ले को दौरे पड़ने लग जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। इससे हमको पता चला कि वह यहाँ पर वो हैना नहीं थी, बल्कि उसकी बॉडी को किसी आत्मा या डेमन ने प्रिजर्व करके रखा हुआ था। अब हमसे फिर से हैना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लगातार पागल होती जा रही थी। वो उन पैसों से पीछा छुड़ाने के लिए उनको जलाकर भी देखती है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये पैसे यहाँ पर कैसे आए थे और यहाँ पर वो जलने के निशान क्यों थे, क्योंकि हैना ने उनको कई साल पहले ही जलाकर देखा था। साथ ही में उसे हाई क्लास फैमिली में बेबी सीटर के लिए बुलाया गया था, जहाँ पर उसको लगातार दौरे पड़ रहे थे और बेबी सीटिंग के वक्त उसका ध्यान बेबी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। अब उस बच्ची के पेरेंट्स एक हाई क्लास पार्टी में गए हुए थे, तभी हैना इस पार्टी में पहुँच जाती है और उस बेबी के फादर को कहती है कि उसका बच्चा मर चुका है। यह सुनते ही इस बच्ची के पेरेंट्स घर पर भाग कर आते हैं। उनको काफ़ी ढूंढने के बाद अपनी बच्ची एक टेबल के पीछे सही सलामत मिल जाती है। अभी यहाँ पर हैना इस हद तक पागल हो चुकी थी कि वो खुद को ही ख़त्म कर लेती है, और इसी चीज़ की न्यूज़ यहाँ पर ले ने पढ़ी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ले को कॉल लगाने के बाद वेरा पार्टी ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पर मौजूद उसका बॉयफ्रेंड उसे पार्टी के बाद हैंगआउट करने के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले रहना चाहती थी। इसके बाद जब वो अपने घर पर सो रही होती है, तभी अचानक उसे सपने में हवा में ले झूलती हुई दिखाई देती है। वो उसको बताती है कि डीमन अपने लिए एक नए घर को ढूंढ रहा है, उससे दूर रहना। लेकिन तभी वेरा के पास ले की मौत से जुड़ी हुई कॉल आती है। साथ में वेरा यहाँ पर ले की इकलौती रिलेटिव थी, इसलिए ऑफिशियली ले को उसकी कार की लोकेशन बता देते हैं, जिससे कि वो उसको क्लेम कर पाए। इसके बाद वेरा ले की कार में बैठ जाती है, जहां पर उसे चक का नंबर मिलता है। अब रात को यह होता है कि वेरा को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो ले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को खोलकर बैठ जाती है, जहां पर उसे ले के फ़ोन में कई सारे रिकॉर्ड मिलते हैं, जिसके अंदर चक के घर के अंदर की एक लड़की हैना के बारे में बता रही होती है। उस वॉइस मेल को सुनने के बाद वेरा सीधे ही चक के घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचती है, जहां पर उसे हैना दिखाई देती है जो कि उसे देखते ही भाग जाती है।
अब वेरा टॉर्च जलाकर बेड के नीचे देखती है तो उसे वहां पर मौजूद एक बहुत ही क्रीपी सा क्रिएचर दिखाई देता है जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है। उसके बाद अगले दिन वेरा हॉस्पिटल में शर्लिन के पास पहुंचती है जहां पर उसे पता चलता है कि शर्लिन ने 14 साल की उम्र में हेना को देखा था और उससे सेफ रहने के लिए ही वो अपने घर से दूर रह रही थी। यानी कि पहले वो घर हैना का था, उसके बाद वह चक के पास में आया जहाँ पर शर्लिन ने हैना को देखा था और वह वहाँ से भाग गई थी। अब वेरा शर्लिन से आगे पूछती है कि उसकी पेरेंट्स ने ले को बताया था कि उसने घर पर आग लगाई थी। साथ ही में वो शर्लिन को यह भी बताती है कि जब से उसने जले हुए हिस्से को छुआ है तब से उसकी राख उसके हाथों से छूट नहीं रही है। खैर, अब उससे तो वेरा को सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता, लेकिन वो सजेस्ट करती है कि वो हैना की एक फ्रेंड लॉरी से बात कर सकती है। इसके बाद हैना उसकी दोस्त के पास पहुंचती है जो कि उसको बताती है हैना एक सिंपल फैमिली के साथ रहती थी और एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीना चाहती थी। जब वह कैलिफोर्निया में एक लड़के कैल्विन से मिलती है तो उसने हैना को उसके सॉल के बेचने के बारे में बताया था पैसे के बदले। वह गेम था और कुछ नहीं, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हैना ने उस गेम को जीतने के बाद में अंकल माइक की बात को मान लिया। उसने दो रोड को मिलने वाली जगह पर जाकर अपना नाम भी पुकारा था। इसके बाद से ही उसके पीछे वह शैतान पड़ गया। अब हैना जब भी मिरर में देखती उसको वही दिखाई देता। साथ ही साथ एक शॉकिंग चीज ये थी कि वह प्रेग्नेंट थी। हैना ने खुद को खत्म करने से पहले लॉरी को यह बात बताई थी कि वह एक वर्जिन। तो आपको भी शॉक जरूर लगा होगा कि यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है। हम जानते हैं कि डेविल जो होता है वो बच्चे के रूप में ही धरती पर इंसानी रूप में आना चाहता है ताकि वो इंसानों को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके उन पर राज कर सके। दूसरी तरफ हैना के पेरेंट्स को लगा था कि हैना ने प्रेगनेंसी की वजह से खुद को खत्म किया होगा, लेकिन लॉरी को लगता था कि हैना ने खुद को खत्म इसलिए किया कि वह शैतान को रोक सके क्योंकि बच्चे के रूप में धरती पर आना चाहता था। वह जानती थी कि इससे कितनी तिभाई फैल सकती है। उसका कहना था कि ले ने जिसको देखा वह हैना नहीं थी बल्कि उसकी भेष में वह शैतान था। साथ में लॉरी वेरा को वहां से जितना दूर हो सके रहने की एडवाइस देती है। अब लॉरी से मिलने के बाद में वेरा अपने घर का सारा सामान पैक करने के बाद सो जाती है। तभी एक तेज आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। जब वह देखती है तो एक इनविजिबल पावर उस पर हमला कर देती है और उसे दूसरी मंजिल से नीचे फेंक देती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और डॉक्टर्स किसी तरह से उसे बचा लेते हैं। जब वह होश में आती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो पूरे 8 महीनों तक कोमा में थी और दूसरी मंजिल से गिरने की वजह से उसकी कई हड्डियां टूट गई थी। साथ ही में डॉक्टर्स बताते हैं कि जब उसको लाया गया तो वह प्रेग्नेंट थी, यानी कि डेविल ने उस पर हमला किया और डेविल की वजह से ही वह इतने महीनों तक बची रही। यह सुनते ही वह अपने पेट को देखती है। उसके बाद डॉक्टर्स उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। तभी वेरा को स्क्रीन पर एक डेमन फेस दिखता है जिसको देखते ही उस प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का फैसला लेती है, जिसके लिए वो अपना पेट कटवाने तक को भी राजी हो जाती है। उसकी जान को भी खतरा था। इसके बाद डॉक्टर्स ऑपरेशन करके किसी तरह से बेबी को अंदर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो बच्चे को पैदा होने के बाद देखना तक नहीं चाहती थी क्योंकि यह डीमन का चाइल्ड। अब कहानी 6 साल आगे बढ़ जाती है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची टीवी पर सुनामी और बाढ़ जैसी खबरें देख रही थी। उसके पास बैठी हुई लेडी उस बच्ची को ऐसी चीजें देखने से मना कर देती है। इसके बाद वह बच्ची एक कार्टून चैनल लगा देती है। साथ ही में वो लेडी उस बच्ची को बताती है कि उससे कोई मिलने आने वाला है और यह बताने के बाद वो किचन में चली जाती है। उस लेडी के किचन में जाते ही वह बच्ची फिर से वही न्यूज चला देती है, जिसके बाद वेरा वहां पहुंचती है जहां पर नीचे वाले फ्लोर पर उसे वही काले निशान मिलते हैं और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि वेरा की ही बच्ची होती है, यानी कि वह उसकी बायोलॉजिकल मदर थी और उससे मिलने वह इतने सालों बाद आई थी। वो लेडी भी उन्हें बात करने के लिए अकेला छोड़ देती है। इसके बाद वेरा उस बच्ची के अंदर के शैतान को बताती है कि वह उसकी माँ है। साथ ही वह बोलती है कि मैं जानती हूँ हैना ने उसके साथ एक डील करी थी, इसलिए उसके खत्म होने के बाद उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी।
इसलिए उसने उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा और उसको जिंदा रखा, जब तक वहाँ पर कोई और ना आ जाए उसका इंतजार किया। इसलिए ही उसने ले को भी मार दिया, क्योंकि ले प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, वह उसके किसी काम की नहीं थी, इसलिए उसने उसको मार दिया। उसने वेरा को इसलिए चुना था क्योंकि वेरा प्रेग्नेंट हो सकती थी। वो उससे पूछती है कि उसने उसको क्यों चुना, लेकिन वो बच्ची बिना सवालों का जवाब दिए वहाँ से भाग जाती है। वेरा उसका पीछा करती है, साथ ही में वेरा उसको जान से मारने के लिए एक चाकू भी लेकर आई थी, क्योंकि वो जानती थी कि वह डेविल का चाइल्ड धरती पर है और उसे वह ऐसे ही फ्री नहीं घूमने दे सकती। अब भागते भागते वो बच्ची जंगल में एक सुनसान घर में पहुंच जाती है, जहां पर वेरा भी उसको ढूंढ लेती है और वो उसको मारने के लिए चाकू तो बाहर निकालती है, लेकिन फिर भी वो उस बच्ची को नहीं मार पाती। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसकी ही बच्ची थी। जिसके बाद वह उस बच्ची को अपने साथ कार में बिठाकर ले जाती है। साथ में वो बच्ची भी वेरा के साथ खुश थी। वो उसको बताती है कि उसको पता था कि वो उसको लेने जरूर आएगी। शायद वेरा को अपने सवालों का जवाब मिल गया था कि आखिर डेविल ने उसको ही क्यों चुना था। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।